फतेह नामी एक इन्फेंट छोटे से मासूम बच्चा जो एक दिन का था, उसकी हॉस्पिटल की मेडिकल नेगलिजेंस की तरफ से उसकी नाक को बहुत बड़ा डैमेज पहुंचा। लड़के के वालिद मोहम्मद इमरान दो दिन पहले जब उससे कांटेक्ट करे तो हम हॉस्पिटल के इंतज़ामिया से उस बारे में बात करे और इंतज़ामिया ने यह कहा कि यह गलती हमसे हुई है। जब उनसे ये कहा गया कि हॉस्पिटल में जब इतना बड़ा मेडिकल नेगलिजेंस का केस है तो उन लोगों ने तमाम फाइनेंशियल जिम्मेदारी सिर्फ नाक की लेने की बात की। जब हमने उनसे पूछा कि अगर ये नाक की वजह से जिगर लिवर गुर्दों का प्रॉब्लम होगा तो उन लोगों ने उससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद हम तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, उनको एक मेमोरेंडम दिया और हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन को भी ऑलरेडी एक कंप्लेंट देने के बाद आज हम लड़के के वालिद इमरान के साथ यहाँ पर नारायणगढ़ा पुलिस स्टेशन पहुँचे, उनकी फैमिली और उनके ख़ानदान वालों के साथ हम यहाँ पर पहुँचे और इंस्पेक्टर पुलिस नारायणगढ़ा और DCP जो जोन के हैं हम उनसे बुजुर्ग मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर FIR कर उन डॉक्टर हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल माफिया जो हैदराबाद में चलाया जा रहा है, मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कोविड आने के बाद से हॉस्पिटल का धंधा उरूज पर है और कई अस्पताल हैदराबाद में ऐसे हो गए हैं जो लोगों को फसाई की तरह लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं और गलत ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और हम हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब से मुतालबा करते हैं कि फिल्फोर इन तमाम डॉक्टरों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं इन तमाम को गिरफ्तार किया जाए और हुकूमत की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से कम 1 करोड़ एस ग्रेशिया का इस फैमिली को कम्पनसेशन देने का ऐलान किया जाए और ये बच्चे की आज से लेके तमाम ज़िंदगी इसके तमाम फाइनेंशियल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम्स को हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी पे लेकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट एक एफिडेविट देकर ऐसा करने का हम यहाँ पुलिस से मुतालबा करने आए हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में FIR हो जाएगा और उसके बाद जो भी बाकी की कार्रवाई होगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को सब बताएंगे। माइक नहीं करना। अभी नारायणगढ़ा PS के पास आके मैं जो है ना कंप्लेंट कर दिया मैं यहाँ पे और ऑलरेडी दूसरी जगह भी मैं कंप्लेंट डाल के आया हूँ। टोटल कितने महीने से बता रहे थे आप ये हॉस्पिटल में? टोटल मैं ये हॉस्पिटल में देखी थी अप्रोक्स 3 महीने से बता रहा हूँ। 3 महीने से रेगुलर चेकअप है आपका? फर्स्ट बेबी है जी? हाँ, फर्स्ट बेबी। 13 साल के बाद पहला बेबी है मेरा। ये भाई।